हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ का इस चैनल में आप सबको स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्नैक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है लोबिया की वड़ा। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, लोबिया की वड़ा बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं लोबिया की वड़ा बनाना। लोबिया वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम लोबिया। इसको मैंने 4 से 5 घंटे तक पानी में भीगने के लिए रखी थी। 5 घंटे बाद मैंने लोबिया से सारे पानी को निकाल दिया है। अभी हम इसको कुकर में कुक करेंगे 1 सीटी होने तक, क्योंकि हमें कच्चा उबली हुई लोबिया चाहिए। ये देखिए, मैंने कुकर में लोबिया को 1 सीटी होने तक उबाल दिया है। अभी हम इसको कच्चा ग्राइंड करना है, पूरा पेस्ट नहीं करना है। ग्राइंड करने के लिए मैंने लिया है मिक्सर की बड़ा जार। अभी हम इसमें डालेंगे उबली हुई लोबिया। इसके साथ मैं अदरक डाल रही हूँ। अदरक को मैं कद्दूकस कर रही हूँ, आप छोटे छोटे पीसेस में काट के भी डाल सकते हो, मैंने कद्दूकस कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया है 4 से 5 हरा मिर्च। अभी हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। मैंने मिक्सर जार में उबली हुई लोबिया, अदरक और हरा मिर्च डाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने कच्चा ग्राइंड कर दिया है, कच्चा पेस्ट बना लिया है। इसमें लोबिया की बड़े बड़े पीसेस भी है और पेस्ट भी है, इस तरह हमें पीसना है। अभी हम इसमें बाकी की सारी इंग्रेडिएंट्स को डालना है। मैंने एक बाउल बेसन लिया है। इसके बाद 3 से 4 चम्मच चावल की आटा डाल दिया है। चावल के आटे से वड़ा क्रिस्पी बनती है, इसलिए मैंने चावल के आटा डाल दिया है। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा जीरा, स्वादानुसार नमक और 1/4 चम्मच कुकिंग सोडा। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने बड़े बड़े 2 प्याज लिए थे, इसको मैंने बारीक काट दिया है। अभी हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अभी हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, वड़ा मिक्सचर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमें बिना पानी इसको अच्छे से मिक्स करना है। पानी मत डालना है हमें इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने प्याज डाल दिया है, प्याज भी पानी छोड़ते हैं। इसके बाद लोबिया भी हमने उबाल दिया है, लोबिया में भी थोड़ा सा पानी रहते हैं, इसलिए विदाउट पानी हमें इसको मिक्स करना है। हाथ से ही हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। बिना पानी वड़े की मिक्सचर हमें रेडी करना है। ये देखिए, पूरी तरह से वड़े की मिक्सचर रेडी हो चुका है। अभी हमें वड़ा को डीप फ्राई करना है ऑयल में, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए स्टोव के ऊपर रख दिया है। ऑयल गर्म होने तक वड़ा को तैयार करेंगे। पहले हमें दोनों हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ताकि मिक्सचर हाथ में लग न जाए, चिपक न जाए। इसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया हाथ में, राउंड बना लीजिए और दोनों हाथ से इस तरह प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा मोटा मत बनाइए, वड़ा थोड़ा पतला ही होना चाहिए। इस तरह थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, राउंड बनाना है। इसके बाद दोनों हाथों से इस तरह प्रेस करना है, राउंड शेप बनाना है। मिक्सचर में पानी डाल दिया तो हाथ से वड़ा नहीं बन पाएगी, इसलिए हमें बिना पानी इस मिक्सचर को रेडी करना है। ये देखिए, इस तरह हमें हाथ से वड़ा बनाना है। सारे मिक्सचर को मैंने वड़ा बना के रेडी कर लिया है। इसके बाद ऑयल भी हीट हो चुका है, अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। स्टोव को मीडियम फ्लेम रखेंगे। इसके बाद एक एक करके वड़ा को ऑयल में डाल देंगे। वड़ा को तेल में डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक वड़ा को फ्राई करेंगे।
इस तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक वड़ा को फ्राई करना है। लोबिया की वड़ा अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अभी हम इसको ऑयल से निकाल देंगे। इसको हम सॉस के भी साथ खा सकते हैं, नहीं तो कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इवनिंग टी के साथ लोबिया की वड़ा बहुत ही अच्छी रहेगी। मैंने मसाला पापड़ की रेसिपी को भी मेरे चैनल में अपलोड किया है। आप मसाला पापड़ की रेसिपी देखना चाहते तो मैंने ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दिया है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को देख लीजिए। और बेल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना लिया है, इसको भी आप देखना चाहते तो मैंने ऊपर लिंक दे दिया है आई कार्ड में। और रेसिपीज़ के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी बना लिया है, लास्ट में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी। प्लेलिस्ट में ऑल रेसिपीज़ आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लोबिया की वड़ा बन चुका है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए आपको लोबिया की वड़ा कैसा लगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप कन्नड़ में देखना चाहते तो मैंने लास्ट में वीडियो की लिंक दे दिया है, लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और कन्नड़ में इस वीडियो को देख लीजिए। मैं कन्नड़ा और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाती हूँ और स्टिचिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना लिया है मैंने, ब्लाउज़ किड्स ड्रेस सारे वीडियोस को आप मेरे चैनल में देख सकते हो, इसीलिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।